रंगी पर उड़ आवी खुशियों संगे लावी हर खाए हयो हाय हाय रंगी पर उड़ आवी खुशियों संगे लावी हर खाए हयो हाय हाय आशानी किरणों बिखराए उमंग भी छलकाए मन हड़वे थी गुनगुनाए हाय 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 हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई 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 हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई 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 ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है शहनाई 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 रास रची लो सज सजी लो शुभ घड़ी छे आवी आचा आचा टम टमाता शमड़ाओ जे लावी ओ लावी बोले
सारी रात सज्जना कंट्रोल होटों को करके गोल होटों को करके गोल सीटी बजा के बोल लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल होटों को करके गोल होटों को करके गोल सीटी बजा के बोल मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा होट घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया आले आज यहाँ इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी हुई है और ये लोग जो है इतना सज के क्यों आए भाई अरे आयुष तो फिर भूल गए तुम्हारी भूलने की आदत भी ना आज यहाँ फ्रेशर्स है और वो लोग हम उसे ही तो होस्ट कर रहे हैं अरे अरे हाँ मैं तो भूल ही गया चलो ठीक है फिर शुरू करते हैं सो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आई एम पूजा मौर्या इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर विद माई को होस्ट आयुष गुप्ता CSE सेकेंड ईयर वी वेलकम यू ऑल Electrifying evening. I was wondering if life is like a game, like those we have in our phones. Just like these games divided in different levels, our life has different stages. Each level has its own difficulties, but crossing them is what makes us veteran. Going by this, I would like to congratulate these new faces have successfully cleared their previous levels and stepped in the new world of this RECM. कि खुशियां नगमे बिखेर रही हैं खुशियां नगमे बिखेर रही हैं दबे दबे पांव से कुछ कह रही हैं
आज का दिन बहुत खास है, आज का दिन बहुत खास है, पधारे आज हमारे महाविद्यालय के प्रांगण में बहुत खास मेहमान हैं। तालियों के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं, क्योंकि आप ही तो हमारी इस महफिल की शान हैं, आप ही तो हमारी इस महफिल की शान हैं। So leave the darkness behind and step towards the new brighter path. Now we will have our traditional auspicious lamp lighting ceremony as a tribute to Mother Saraswati, the goddess of knowledge. I now request Dean Academic Sir Dr. Sim Chandel and all the faculty members for the lamp lighting ceremony. A big thank you to our sponsors, Bubble Water Park, Grillin, IEEE, Samucha, UP Sports and Brijwasi Mishtan Bhandars. We are grateful for the faith you have shown in us and for the willingness to invest in our cause. Once again, thank you for your generosity and support. So Anishas, how's the Josh? Hi sir! जैसा कि दोस्तों हमारे कल्चर में है कि किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पहले हम भगवान श्री गणेश को याद करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, तो आज के इस फेस्ट का आगाज भी हम गणपति जी की वंदना के साथ करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। यार आयुष, मैं इस दुनिया की सबसे टैलेंटेड लड़की बनना चाहती हूँ। तथास्तु बालिके तथास्तु। और फिर देखना मैं क्या क्या करूंगी। अरे नारायण नारायण, ये इच्छाएं भी तुम्हारी नारायण। ये क्या हो गया तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ है, पता है अब इस स्टेज पे और इस माहौल में ऐसा भक्तिमय माहौल बनने वाला है जिसका खुमार यहाँ बैठे हर व्यक्ति पर चढ़ेगा। सो वी वुड लाइक टू वेलकम प्रखर सिंह फॉर भजन, गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। मेरे घर
पलकों को बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, तुम आकर रुक नहीं जाना, मेरी इस सुनी दुनिया से, मेरी इस सुनी दुनिया से, कहूँ हरदम यही सबसे, कहूँ हरदम यही सबसे, मेरे भगवान आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अरे सरकार आए हैं। और क्या चल रहा है आजकल? बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। अरे यार क्या भाई, अच्छा पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। क्या पका रही है यार ऑडियंस, इसका तो सब चल रहा है। ठीक है तो अब हम भी आपसे विदा लेते हैं और हम भी चलते हैं। Now we would like to hand over the mic to Anudeep and Harshita. अरे एक बार तालियां तो बजा दो, जा रहे हैं यार। फर्स्ट ईयर, वैसे तो आप सभी को मालूम ही होगा एंगरिंग करना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। ऑब्वियसली मुझे को एंगर की भी नीड है, पर ये अनुदीप कहाँ रह गया? अरे अरे त्यागी जी, ये फ्रेशर्स हो रहा है, सर्कस नहीं है। यार हर्षिता तुम पीछे तो देखो कितनी सफेदी छाई हुई है वहाँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही रंग बिरंगे चश्मे लगा लूँ। सही कह रहे हो, चश्मा तो फिर भी ठीक है, पर तुमने ये हेडफोन क्यों लगा रखा है? अरे यार देखो एक बात है, जब मैं यहाँ आने वाला था ना तो उससे पहले थोड़ा सा नर्वस हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना कव्वाली ही सुन ली जाए। पर कव्वाली क्यों? अरे यार तुम सुनकर तो देखो, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की कव्वाली, अगर उसमें खो ना जाओ तब कहना ये बात तुम मुझसे। लगता है अब तो कव्वाली सुननी ही पड़ेगी। सो नाउ लेट्स कॉल फॉर द परफॉर्मर्स ऑफ कव्वाली फॉर अ अमेजिंग एंड मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस। के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली
काली जुल्फों के पंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बंसवर के सामने आया न कीजिए, यूं बंसवर के सामने आया न कीजिए, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेब मोहब्बत में उलझाने वाले, फरेब मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्हीं को मुबारक, ये रंगी कहानी तुम्हीं को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्हीं को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्हीं को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, संभालो जरा अपना चल गुलाबी, संभालो जरा अपना चल गुलाबी, दिखाओ ना हंस हंस के आंखें सराबी, दिखाओ हंस हंस के आंखें सराबी, सुनो किनका दुनिया में अच्छा नहीं है, सुनो किनका दुनिया में अच्छा नहीं है, हसीनों पे हमको भरोसा नहीं है, हसीनों पे हमको भरोसा नहीं है, उठती है नजरें तो गिरती है बिजली, उठती है नजरें तो गिरती है बिजली, अदा जो भी निकली कयामत ही निकली, अदा जो भी निकली कयामत ही निकली, जहाँ तुमने चेहरे से आंचल हटाया, जहाँ तुमने चेहरे से आंचल हटाया, वहीं अहल दिल का तमाशा बनाया, वहीं अहल दिल का तमाशा जिंदा रहने दो है हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो है हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो है हुस्न वालो। थैंक यू, थैंक यू। यार हर्षिता, चलो चाय पीने चलते हैं ना। पर चाय अच्छी मिलेगी मैनपुरी में अनुदीप? अरे यार है ना वो अपना समोचाय, तो फिर चलो चलते हैं समोचाय। तब तक आप सभी कवि सम्मेलन का आनंद उठाइए, तो संचालक महोदय आइए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। थैंक यू। Thank you.
जागृत कहानी चाहिए, ये सारी दुनिया अपनी हो जाती है, ये सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस इस छोटे से कार्यक्रम में आपकी तालियों की मेहरबानी चाहिए, छोटे से कार्यक्रम में आपकी तालियों की मेहरबानी चाहिए। मैं आयुष गुप्ता, इस छोटे से कवि सम्मेलन मेरे अल्फाज का संचालक और आप सबका दोस्त, आज वादा करता हूँ कि आप सभी को यहाँ बहुत हंसाऊंगा और आप कुछ नया सीख कर जाएंगे इस कवि सम्मेलन से। एक बार जोरदार तालियां इस कवि सम्मेलन के लिए। मैं यहाँ पधारे सभी फैकल्टी सर, डीन सर, सभी का बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और मैं जिसके लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ है फ्रेशर्स के लिए, उनके लिए चार चीजें पढ़ता हूँ कि आप सभी का करता हूँ अभिनंदन, आप सभी का करता हूँ अभिनंदन, आपका भी हुआ है इस कॉलेज में नया बंधन, आपका भी हुआ है इस कॉलेज से नया बंधन, कुछ नया कुछ अलग कुछ ग्रेट करें, कुछ नया कुछ अलग कुछ ग्रेट करें, नए नए चेहरे नई नई कहानी, चलो सुनते हैं इन फ्रेशर्स की जुबानी, नए चेहरे नई नई कहानी, चलो सुनते हैं इन फ्रेशर्स की जुबानी, ये चेहरे कुछ सीखेंगे कुछ नया सिखाएंगे, ये चेहरे कुछ सीखेंगे कुछ नया सिखाएंगे, अपना हुनर हम सबको दिखाएंगे। आशा है आप इस कॉलेज को और हमको, आप इस कॉलेज को और हमको तहे दिल से अपनाएंगे, तहे दिल से अपनाएंगे। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने पहले कवि को आवाज देता हूँ, कवित्री अनन्या, जो कि आए और अपने हाथ से काव्यपाठ से हम सबको हंसा हंसा कर लोटपोट कर दे। एक बार जोरदार तालियां सालस कीजिएगा हमारी कवित्री अनन्या के लिए। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अनन्या उपाध्याय आप लोगों के बीच एक पोएट्री सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है इतिहास की परीक्षा। इतिहास जो सबके लिए डराना होता है, सब डरते हैं कि हाँ कैसा होगा हिस्ट्री का एग्जाम, कैसा जाएगा, हम क्या करेंगे। तो मेरी कविता एक के वो बताती है कि हिस्ट्री जो है उसके लिए बोरिंग सब्जेक्ट है, वो नहीं है कहती कि सबके लिए है। तो फिर आज उसका एग्जाम था और वो एग्जाम देके आके बताती है कि इतिहास की परीक्षा थी, चिंता से हृदय धड़कता था, थे बुरे सपून चलते ही घर से दाया आंख फड़कता था। तुम 20 मिनट हो लेट गेट पर, चपरासी ने बतलाया, मैं मेल ट्रेन की तरह दौड़ी कमरे के भीतर आई। फाइनली वो लड़की एग्जाम हॉल में आ गई और अब उस 20 मिनट लेट हुई थी और एग्जाम स्टार्ट हो गया था। जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोगों ने भी एग्जाम दिया है, कि कोई लेट हो पहले से ही डरा होता है एग्जाम में कि हाँ मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे अच्छा करना है, कोई चाहता है कि हाँ मैं टॉप करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, और एग्जाम में लेट होने की वजह से डरे होते हैं, और वो भी डरी हुई थी। तो वो भगवान से प्रे करते हुए कहती है कि बोली भगवान दया कर दो, मेरे दिमाग में इन प्रश्नों का उत्तर ठूस ठूस कर भर दो। मेरे अंदर का पाठ खुला, कॉपी पर पेन चली चंचल, जो किसी खेत की छाती पर चलता हलवा ही का हल। फाइनली उसको जो याद आया वो लिखने जा रही है, तो वो कुशन का आंसर देती है कि लिख दिया पानीपत का युद्ध, दूसरा युद्ध हुआ सावन में, भारत को आजादी मिली 1857 में, लिख दिया मोहम्मद गौरी ने पृथ्वी को 10 बार हराया था, अकबर ने हिंद महासागर अमेरिका से बनवाया था। फाइनली एग्जाम हो गया वो कहती है कि हो गया परीक्षा पागल सा। और वो आगे बताती है कि कीप काम से काम, डोंट आस्क How was your exam? Keep calm, don't ask how was your exam. तो आगे कहती है कि मेरे प्रश्नों को देख देख बोला इन बच्चों में से बस होनहार है यही है। औरों की कॉपी फेंक दिए, मेरे सब उत्तर छाट लिए, 0 नंबर दे करके बाकी सब नंबर काट लिए।
बहुत खूब बहुत खूब। देखिए कवित्री जी ने किस तरह से एग्जाम फियर को एक हास्य के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाया और कहा कि कैसे हम उस एग्जाम फियर को ओवरकम कर सकते हैं। अब जब हास्य की बात चली रही है और कवि सम्मेलन में श्रृंगार रस और हास्य की बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तुम एक आप मेरे से जुड़िए और देखिए कि अभी मेरा इतना मोटा चश्मा है, ये शरीर आप देख ही रहे हैं, किसी काम का नहीं है, और ये बाल भी मेरे झड़ते जा रहे हैं। तो श्रृंगार को मैं हास्य से जोड़ने की कोशिश करता हूँ कि प्रथम प्यार की, प्रथम प्रेम की प्रथम अनुभूति क्या होती है, उसका क्या परिणाम होता है। चार पंक्ति आप मुझसे जोड़िएगा, अगर आपको पसंद आए तो आपकी तालियों से ये पंडाल गूंज जाना चाहिए, ठीक है। कि आंखें जब चार हुई नजरें बेकार हुई, कि आंखें जब चार हुई नजरें बेकार हुई, ज्यादा घूरने के ये दुखद परिणाम है, ज्यादा घूरने के ये दुखद परिणाम है। और काश होती बात तो ना होते यूं उदास यार, कि कुछ होता है या नहीं होता है, लेकिन अफवाहें सारी होती हैं। कि काश होती बात तो ना होते यूं उदास यार, बीत गई याद में ये रतिये तमाम हैं। और अंतिम पंक्ति आप कनेक्ट करेंगे कि बीत गई याद में ही उड़िए तमाम हैं, और काल के कराल से ये बाल भी हलाल हुए, काल के कराल से ये बाल भी हलाल हुए, पहले पहले प्यार का ये आखिरी इनाम है, पहले पहले प्यार का ये आखिरी इनाम है। इसी के साथ मैं अपने अगले कवि आशीष जी को आमंत्रित करता हूँ, वे अपनी कविताओं के माध्यम से युवाओं में उत्साह का संचार करते हैं, तो कृपया करके जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कवि आशीष जी का। वे आए और अपनी कविताओं के माध्यम से हम सभी में एक नई उमंग और उत्साह का संचार करें। आशीष जी धन्यवाद संचालक महोदय और यहाँ पे उपस्थित तमाम श्रोतागण, मैं आशीष श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में अरमा यही है कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे तुम, मुझको अपनी हद रोशन करने से कब कब रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैंने बंजर भूमि पे रहकर मृत्यु से जीवन सींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ तुम मुझको कब तक शीशे से तोड़ोगे। मैं मिटने वाला नाम नहीं तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जिन्हें जुर्म नहीं उतने सहने की ताकत है, सुल्तानों के शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ तुम मुझ में कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन कर आगे बढ़ूंगा तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ अब झुकने का शौक नहीं अब तुमसे मिटने का खौफ है। तुम हालातों की भक्ति में जब जब डालोगे तब कर सोना बनूंगा तुम मुझको कब तक रोकोगे। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आशीष जी के लिए। जैसा कि आशीष जी ने हमें उत्साह और वीरता के बारे में कहा कि वीरता हर व्यक्ति में होती है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। और मैं मानता हूं अगर कोई वीरता हमारे समाजोत्थान में और समाजों के कार्यों में ना काम ना आए तो वीरता शायद वो व्यर्थ ही है। कि गलत का विरोध खुलकर कीजिए चाहे राजनीति हो या हो समाज। इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। और ऐसे ही हमारे बीच में उपस्थित हैं एक ऐसे कवि जो सामाजिक तथ्यों को लिखते हैं और उनको हम तक पहुंचाते हैं और जन जन में सामाजिक तथ्यों का विकास करते हैं। तो मैं अब एक ऐसे कवि को आमंत्रित करता हूं अमित जी को, वो आए और अपने इन सामाजिक तथ्यों से हमको जोड़ने की कोशिश करें। अमित जी आ
आप सभी को सादर प्रणाम। आपका इतना जोश जुनून देके मुझे इतना जोश चढ़िया मैं क्या बताऊं। मैं संचालक जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, जैसा कि इन्होंने बताया कि मेरी कविता एक छोटी सी सामाजिक मूल्यों पे एक छोटी सी कविता है जो आजकल लोग प्रश्न पूछना भूल गए हैं। अगर कोई कहीं गलत कर रहा है या कोई गलत कुछ हो रहा है तो लोग सवाल करना भूल गए, उसी पे एक छोटी सी मैंने कविता लिखी है जिसकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। किताबें तो याद कर ली, किताबें तो याद कर ली, दूसरों से दो सब प्रेम से बात करना भूल गए। सोशल मीडिया के इस दौर में लोग सोशल होना क्यों भूल गए। पेड़ों को कटता देख आंसुओं को टिश्यू पेपर से पोंछते हुए, पेड़ों को कटता देख आंसुओं को टिश्यू पेपर से पोंछते हुए, कहां से आया ये टिश्यू पेपर, ये सवाल करना क्यों भूल गए। दोषियों को सजा दिलाने के लिए, दोषियों को सजा दिलाने के लिए अदालत को लोग भूल गए। कहते हो न्याय मिलने में समय लग जाता है, कहते हो न्याय मिलने में समय लग जाता है, पर क्यों, ये सवाल करना क्यों भूल गए। डेवलपमेंट के नाम पर हुई जंगलों की कटाई, डेवलपमेंट के नाम पर हुई जंगलों की कटाई, पर क्या है डेवलपमेंट की परिभाषा, ये सवाल करना क्यों भूल गए। किसान इतनी मेहनत करके भी अपने प्राण त्याग रहे हैं, किसान इतनी मेहनत करके भी अपने प्राण त्याग रहे हैं, फिर नेता अंकल क्यों फूल रहे, ये सवाल करना क्यों भूल रहे। क्यों है दुर्दशा अपने देश की, ये सोचना क्यों भूल गए। याद है आजादी कितनी मुश्किल से मिली थी, याद है आजादी कितनी मुश्किल से मिली थी, फिर भी आजादी की परिभाषा क्यों भूल गए। यह जानते हुए भी कि गलत का होता देख कुछ ना कहना भी गलत होता है, यह जानते हुए भी कि गलत का होता देख कुछ ना कहना भी गलत होता है, फिर भी समझ नहीं आता तुम सवाल करना क्यों भूल गए। सोशल मीडिया के इस दौर में लोग सोशल होना क्यों भूल गए। धन्यवाद। धन्यवाद अमित जी, आपने बहुत ही खूब ढंग से हम लोगों के सामने इन सामाजिक तथ्यों को रखा। अब मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए आपको ले चलता हूँ। अहंकार वश वो दुर्योधन उसको नहीं मानता है और इसी रश्मिरथी के सर्ग को हमारे सामने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करने आ रही हैं कवित्री गौरी जी। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए कवित्री गौरी जी का। कवित्री गौरी जी हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरी बोरे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर। तो श्री कृष्ण जी दुर्योधन से क्या कहते हैं कि बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दुन सोता है देखो आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए कि क्या कि न्याय अगर दो आधा दो कि न्याय अगर तो आधा दो पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो धरती अपनी तमाम हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर असीना उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टे हर को बांधने चला जो था साध साधने चला जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हर ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख पवन मुझमेले है यह देख गगन मुझमेले है मुझमें विलीन संसार सकल मुझमेले है छंकार सकल अमृत भूलता है मुझमें श्रृंगार झूलता है मुझमें उदयांचल मेरा दीप्तिभान भूमंडल वक्ष स्थल विशाल मुझ बरद बंद को घेरे है मैं नाग मेघ पग मेरे हैं आदित्य जो गह नक्षत्र दर सब है मेरे मुख के अंदर दृग हो तो दृश्य कांड देख मुझमें सारा ब्रह्मांड देख सतकोट चंद्र सतकोट सूर्य सतकोट सिंधु सत सिंधु मंद्र सतकोट ब्रह्म वैष्णव अम्बा महेश सतकोट विष्णु दिलपत गणेश सतकोट रुद्र सतकोट काल सतकोट दंड कर लोकपाल जंजीर बढ़ाकर साधने हा हा दुर्योधन बांधने। ये भूलो कतर पाताल देख गत और रागत काल देख यह देख जगत का आदर्श जन यह देख महाभारत कारण मृतकों से पटी हुई भू है पहचान कहां उसमें तू है
देखो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से कटती ज्वाल सगन, सांसों से पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी चित दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन, सूने को साधना सकता है, वो मुझे बांध कर सकता है, और दुर्योधन हित वचन नहीं तूने माना, दुर्योधन हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जय याग मरण होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, चावस्य काल सुख लूटेंगे, और दुर्योधन रण ऐसा होगा, कभी नहीं जैसा होगा, थी सभा सर्ज सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, बस दो नर ना खाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, जय श्री कृष्ण। एक बार जोरदार तालियां बताइए इनके लिए, गौरी जी ने बड़ा ही सुंदर प्रस्तुति दी, एक बार जोरदार तालियां, पहले तालियां एक बार, जब तक आवाज यहां तक नहीं आएगी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, एक बार जोरदार तालियां गौरी जी के लिए। गौरी जी ने से बताया कि वहां दो चचेरे भाइयों में विश्वास नहीं था, और उसी द्वापर में विश्वास की एक ऐसी मिसाल द्रौपदी ने दी, और वहां ऐसा विश्वास नहीं था, तो वो द्रौपदी का मैं आपको चार पंक्ति के माध्यम से बताता हूँ कि साधकार प्रेम से लिखेगी पत्र रुक्मणी तू, कि साधकार प्रेम से लिखेगी पत्र रुक्मणी तू, जानती है रुक्मणी की कृष्ण स्वयं आएंगी, विश्वास लिखिएगा आप इसमें कि साधकार प्रेम से लिखेगी पत्र रुक्मणी तू, जानती है रुक्मणी की कृष्ण स्वयं आएंगे, और आएंगे जो कृष्ण सात पार्थ के, तो पार्थ को है ज्ञात वो धर्म युद्ध जीत जाएंगे, और जाएंगे जो कृष्ण क्रोध में भरी सभा से, तो सभा को भी है ज्ञात कि अब उन्हें देव क्या बचाएंगे, और अब द्रौपदी का विश्वास देखिएगा कि बचाएंगे ये जानती है द्रौपदी पुकारती की, बचाएंगे ये जानती है द्रौपदी पुकारती की, कोई आए या ना आए मेरे कृष्ण स्वयं आएंगे, कोई आए या ना आए मेरे कृष्ण स्वयं आएंगे। जैसा कि इतिहास गवा रहा है कि हमेशा से हमारे गुरुजन पूज नहीं रहे हैं, और बड़े से बड़ा कोई व्यक्ति हो, कोई कवि हो, कोई योद्धा हो, कोई भी शूरवीर हो, उनको हमेशा ही गुरु की आवश्यकता अवश्य पड़ी है, तो ऐसे ही हमारे गुरु की महिमा का वर्णन करने, गुरु की महिमा का गुणगान करने कैसे कवि दिग्विजय जी आए, और हमारे गुरुओं के सम्मान में गुरुओं के लिए तो जोरदार ताली का स्वागत कीजिए दिग्विजय जी का। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम दिग्विजय सिंह है, मैं इससे ज्यादा आगे नहीं कहूंगा, तो अगर मेरी आवाज पीछे तक ना आ रही हो तो हाथ उठा देना, मुझे पता लग जाएगा, ठीक है ना? ठीक है। तो अभी गुप्ता जी आए मेरे पास और कहते हैं यार प्रेशर सो रही है कुछ बोल दो, भैया पानी पिला दो यार, इन्हें कविता भी सुननी है, शुरू करें करें। तो गुप्ता जी आए मेरे पास और कहते हैं कि यार फ्रेशर्स को कुछ बोलना है, तो मैंने कहा सच बोलने क्या, तो उसने कहा हाँ सच बोल, तो ठीक है कुछ सच ही बोलने आए। तो एक टीचर और स्टूडेंट का एक जो रिलेशन होता है उसके ऊपर लिखा है, शुरू से लेके आखिर तक, ठीक है वो सुनना। तो एक रोते हुए बच्चे को उसकी माँ से दूर करने वाली आप थी, और कुछ ही दिनों बाद उसकी दूसरी माँ बनने वाली भी आप थी, उसको ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सिखाने वाली आप थी, और उसको इतने हक से डांटने वाली भी आप थी, उस छोटे बच्चे का वो पहला क्रश भी आप था, जब उसके मन में आया था कि काश ये मैडम पूरे दिन पढ़ाए और मैंने दिन भर इन्हें देखा। खैर जिंदगी में ये तब तक था जब तक जिंदगी में कोई डर नहीं था, क्योंकि इसके बाद मैडम की जगह सर आया। मेरा सबसे बड़ा खौफ आप थे, जब मैं पापा से आया था आपसे डरने लगा था। मेरे सबसे पहले दुश्मन भी आप थे, जब मेरे दिल में आया कि सर कभी स्कूल के बाहर मिलो। मेरे पढ़ने की ख्वाहिश आप थे, मेरे कुछ कर गुजरने का जज्बा आप थे, मेरे सबसे करीब भी आप थे, जब 10th के रिजल्ट आने पर मैंने माँ बाप से पहले आपको कॉल किया था। उसके बाद मेरे घर में मेरी शिकायत लाने वाले सॉरी मेरे घर पर मेरी शिकायत लाने वाले भी आप थे, और REC में होने पर पूरे शहर में बताने वाले भी आप थे।
खैर इसके बाद मैं एक ऐसी दुनिया में आया जहाँ बहुत कम लोग आ पाते हैं, आरिसी मेनपुरी, और यहाँ पर हमें कुछ प्रोफेसर मिले तो उनके लिए लिखा है। मेरा क्लास में लेट होने पर मुझे निकालने वाले आप थे और मुझे वक्त की अहमियत सिखाने वाले भी आप थे। सॉरी, मैंने दूसरों की गलतियां माफ करना आपसे सीखा था जब मेरा क्लास में मोबाइल इस्तेमाल करना आपने नजरअंदाज किया था। मेरी इंजीनियर की रेलगाड़ी को धक्का देने वाले आप थे और यात्रा में हो रही कुछ असुविधाओं के कारण भी आप थे। मैं आज जो हूँ मुझे वो बनाने वाले आप थे। तुम हो तो ये अंजुमन है, तुमसे ही अंजुमन है, तुम हो तो एक अजीज मुस्कुराहट है, एक अजीज दरिया दिली है। अब सुनना जरा, तुम जो रोज रोज वक्त से दो मिनट पहले आ जाते हो, कायदे के किस्से सुनाते हो, वही गिनी चुनाई पुरानी गलतियों पर चीखते चिल्लाते हो, तुम इतनी मोहब्बत कहाँ से लाते हो, तुम इतनी मोहब्बत कहाँ से लाते हो। अब अगर स्टेज पर आए और कुमार विश्वास का कुछ नहीं गया तो क्या फायदा, तो गाए फिर। तो एक प्रेमिका और एक प्रेमी के बीच में कुछ होता है, उसके लिए कुछ लिखा है। और यहाँ के लोग कनेक्ट कर लेंगे क्योंकि सबकी कंडीशन एक जैसी है, मेरी तरह सब सिंगल है, ठीक है। ये दिन सवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, रास्ते में खड़े दो अधूरे सफर। अब एक बंदा है एक बंदी है, मिल जाए तो अच्छा रहेगा ना, तो उसके ऊपर लिखा है ये रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। अब एक और लिखी है, बाकी मैं सुनाऊंगा आप समझ जाओगे, ठीक है। तो ये एक ऐसी पोएम है, समझने वाले समझ जाओ। मैं उसका हूँ वो इस एहसास से इनकार करती है, भरी महफिल में भी रुसवा मगर हर बार करती है। अब एक लाइन जिसे मैं बोलूंगा आप समझ जाओगे। यकीन है सारी दुनिया को खफा है हमसे वो लेकिन, यकीन है सारी दुनिया को खफा है हमसे वो लेकिन, मुझे मालूम है फिर भी मुझी से प्यार करती है, मुझे मालूम है फिर भी मुझी से प्यार करती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय जी। और एक बार दिग्विजय जी के लिए जोरदार तालियां, जोरदार। जैसा कि दिग्विजय जी ने शंगार रस की बात कही, और जहाँ शंगार आए वो वहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का प्रेम का वर्णन ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो चार पंक्तियां अभी मुझे याद आती है ममता शर्मा जी की, मैं आपके सामने रखता हूँ। कि राधा को कृष्ण की देह मिली, राधा को कृष्ण की देह मिली, बिन देह के नेह निभा गई मीरा। कि राधा को कृष्ण की देह मिली, बिन देह के नेह निभा गई मीरा। ब्रज कुंज में राधा ने रास रचाया, ब्रज कुंज में राधा ने रास रचाया, मरु कुंज में मरुभूमि में कुंज खिला गई मीरा। और कृष्ण ने द्वापर में राधा को गाया, कृष्ण ने द्वापर में राधा को गाया, तो कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा। और कृष्ण के प्रेम का राधा पे कर्ज था, कृष्ण के प्रेम का राधा पे कर्ज था, राधा का कर्ज चुका गई मीरा, राधा का कर्ज चुका गई मीरा। और अब ये अंतिम समय मैं आपसे विदा लेता हूँ, और शायद लुधियानी जी की दो पंक्तियों के माध्यम से मैं आपसे विदा लेता हूँ कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, कल और आएंगे इन नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, आपसे बेहतर सुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, आपसे बेहतर सुनने वाले। जय हिंद, जय भारत। Wow, what an amazing performance! हाँ यार, हमारे कवियों ने तो आग ही लगा दी आग। उम्मीद है हमने आपको बोर नहीं किया होगा। आगे के प्रोग्राम को दिशा में रखने के लिए अब हम बुलाते हैं अपने श्रेया और सस्ते अरिजीत। उफ, आकर हाँ
हेलो बोलती रह जाना तुम इंट्रोडक्शन कौन देगा अरे हाँ इंट्रोडक्शन भी तो देना है सो गुड इवनिंग एवरीवन माय नेम इज श्रावण फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर विद माय कोहोस्ट आकर्ष सीएसई फर्स्ट ईयर यार तुझे नहीं लगता आज गर्मी बहुत हो रही है यार मुझे ना किसी स्विमिंग पूल या वाटर पार्क जाने का मन हो रहा है लेकिन यहाँ आसपास तो कोई स्विमिंग पूल या वाटर पार्क नाम की कोई चीज ही नहीं है अरे ये कैसी बात कर रहे हो तुम वो खुला तो है अपना यहाँ बबल वाटर पार्क बेस्ट इन द एरिया थैंक यू बबल वाटर पार्क फॉर स्पॉन्सरिंग अस लेकिन इस हॉट वेदर के पीछे कोई एनवायरनमेंट चेंज नहीं ये तो हमारे फ्रेशर्स के एक्साइटमेंट का नतीजा है क्यों फ्रेशर्स यार बोल तो तुम सही रहे हो और हो भी क्यों ना आखिर सबसे लंबा इंतजार तो हमने किया है फ्रेशर्स का चलो कोई नहीं लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट परफॉर्मेंस There are shortcuts to happiness and dancing is one of them. So from that spirit, we are inviting our solo dance performance. Our next performer is Isha Rawat, CSE first year. So everyone give a big hand of applause for her. Hello. Charlie, it's me.
तो हसीना को आना भी करीना को तुम थोड़ा फीवर है झड़ने लगा थोड़ा हार्ड सा होके थोड़ा जेंटल सा होके थोड़ा सेंटी सा होके थोड़ा मेंटल सा होके सारे Let's knock you off. Thank you.
Everybody please requested to keep their seats. Please maintain your discipline. गीत है और इस खुशनुमा शाम में मैं एक किशोर कुमार के कुछ शब्द को कोशिश करूंगा। जब घुंघरू सी बजती है बूंदे पर हमारे पल के नमूदे देखे कैसे सपने नयन सुलग सुलग जाए मन भींगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन भींगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन रिमझिम गिरे सावन महफिल में कैसे कह दूं किसी से दिल बंद रहा है किस अजनबी से महफिल में कैसे कह दूं किसी से दिल बंद रहा है किस अजनबी से हाय करें अब क्या जतन सुलग सुलग जाए मन भींगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन भींगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। धन्यवाद। We'll be right back.
जिस रोज से देखा है उसको हम शमा जला भूल गए हम कैसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए कब प्यार तुझे आंखों इंतजार चल चुका रहता है मेरे सामने वाली
नमस्कार। मुझे तो जानते ही होंगे आप सब, फिर भी बता देता हूँ। माय नेम इज रोहन तिवारी, बट यू कैन कॉल मी रोहन विद्रोही। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि अगर मेरे जोक्स किसी को बुरे लगते हैं या होट होते हैं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, किसी भी मजाक है इसे मजाक कर लीजिएगा। धन्यवाद। मैं शुरू करना चाहूंगा। मैं अपने घर में सबसे छोटा हूं, मेरे दो भाई हैं। आप मालूम है घर के सबसे छोटे बच्चे को प्रेम से क्या बुला रहे हैं? छोटू। यार छोटू बुलाते हैं यार। मेरे घर में ऐसे इंट्रोड्यूस किया जाता है मुझे, ये मेरा बड़ा बेटा, ये मेरा छोटा बेटा, ये मेरा नौकर छोटू। छोटे बच्चे से इतना क्या बुला जाता है घर में, तुम पूछो ही ना यार। मजदूर बना रखते हैं, कोई भी क्या हूं छोटू है ना। चाय बनानी छोटू, मुझे सारे डिश बनाने आते हैं, मैं सारा भोजन बना लेता हूं तब भी सिंगल हूं। मैं उतार रहा हूं सारा जो तुम कहो बना खिला दू तुम्हें। मैं 3 महीने में इनपुर बाहर हुआ, मैं गांव वालों को होटमेंट का कोर्स कराया है। मैं जाता हूं उन्हें कहते गुरुदेव आप आइएगा एक बार, चलता रहता। देख क्या होता है सर, अगर आप रोड पे चल रहे हैं और बड़ी गाड़ी का छोटी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है तो गलती किसकी रहती है? बड़ी गाड़ी एग्जैक्टली। लेकिन घर में ऐसा नहीं होता, आपने अपने बड़े भाई से लड़ाई कर ली तो गलती आपकी है। गलती किसी की हुई पीटा आपको जाएगा। अगर मान लो भैया गलती तो बोलेंगे बड़े से जबान लड़ाता है तब तुम्हें पीट लेंगे। मेरे घर में मैंने इतना काम किया, मैंने इतना खाना बनाया, एक समय मुझे लगने लगा कि मुझे बिया घर जाना है। मैं बता रहा हूं मैं दूसरों घर 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 खेलने जाता था, मैं पत्नी बनने लगा। मेरी बड़ी बहन पति बन रही है, कह रहे तुम खाना अच्छा नहीं बनाते। दीदी किसी दीदी को देखने वाले आए थे, मुझे पसंद करके चले गए। बहुत काम करा भाई हमें। मैं बता रहा हूँ घर में सबको मिलते हैं कब बड़े नए कपड़े, कोई त्योहार हो शादी हो सबको मिलेंगे नए कपड़े। तुम घर के छोटे हो, तुमको जानते हो नए कपड़ों में क्या दिया जाता है? सिर्फ एक पेयर अंडरवियर। इनका बस चले तो तुम्हें सब कुछ पुराना ही देते। मुझे स्कूल इसलिए भेजा गया क्योंकि मेरे भैया की ड्रेस छोटी हो रही थी। मेरा एडमिशन उसी स्कूल में कराया जिसे भैया पढ़ते थे, कहते किताबें खराब होंगी भेजो इसी स्कूल। मैं कहा मैं बड़ा हो गया हूँ शायद मुझे छोड़ दिया जाए, लेकिन मम्मी मेरी कहती है कि बड़ा तुम्हारी शादी होगी, वह बीवी आएगी घर के काम करेगी, अपने भाभी के कपड़े धोएगी। मैं कह रहा हूँ मेरे पूरी जनरेशन को लोग मजदूर बना रहे हैं, बंधुआ मजदूर। देखिए ये सब एक मजाक है सिर्फ उनके लिए जो घर में बड़े हैं, ये छोटे लोगों की आप बीती है। तो घर में चलता रहता है। देखिए करते हैं, फिर उसके बाद कॉलेज आ गया। कॉलेज आने में मुझे पता चला कि हर अच्छी दिखने वाली चीज अच्छी नहीं होती। स्टार्टिंग में आया मैंने देखा गर्ल्स हॉस्टल सामने दो गार्ड बढ़िया सब लोग, बॉयज हॉस्टल सामने कुछ नहीं। मैंने कहा लड़कों के साथ गलत हो रहा है। मैं एक हफ्ते हॉस्टल में रहा, मैंने कहा कॉलेज के साथ अन्याय हो रहा है, ये हॉस्टल जानवर कौन पालता है रात को? हॉस्टल में सुबह 9 से रात के 10 बजे तक इंसान मिलते हैं, 10 बजे के बाद बोलने वाले जानवर। देखिए गर्ल्स हॉस्टल में होते होंगे रूम, बॉयज हॉस्टल में होते हैं स्टोर रूम। यहाँ रूम नहीं होता, आप रूम में चले जाइए बेड है, बेड के ऊपर बिस्तर लैपटॉप सब कुछ, ऊपर से 4 लौंडे वहीं पड़े हैं। ये रात भर एक ही रूम में बैठे बैठे पता नहीं क्या कर रहे हैं, पूरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। देखिए जनरली लोग सुबह उठ के क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, फ्रेश होने जाते हैं। हॉस्टल में ऐसा नहीं होता, बॉयज हॉस्टल में लड़के सुबह उठते हैं सीधा मेस में। ये 8 बजते हुए हॉस्टल सीधा मेस में उठ रहे हैं, इनका अलार्म 9:30 बजे का है कि सीधा खाना खाना है, हमें ब्रश व्रश क्या होता है, हमको कल खाना खाना है। लेक्चर में जब पूछे 2 मिनट तैयार होते हैं लोग, 9:57 हो रहे हैं 2 मिनट तैयार 1 मिनट क्लास में।
आप बहुत से चले आइए, मैं बता रहा हूँ। वैसे मैं सारी बातें नहीं बताऊंगा, मुझे दांत करा देंगे लोग। जिस थाली में जाते हैं उसमें छेद नहीं किया जाता है। देखिए अगर बॉयज हॉस्टल में है, अगर आपका बर्थडे आ गया तो समझ लीजिए आपका बर्थडे नहीं है वो, अब आपका आखिरी समय आ चुका है। जैसे आपको अगर चोट लग गया और अगर आप वहां पे हाथ रखे तो दर्द कम होता है, लेकिन बर्थडे आपका है तो आपको बढ़िया बेड रहेगा, आपको लिटाया जाएगा उल्टा, आपके हाथ पैर पकड़ लिए जाएंगे, फिर आपको सूखता आ जाएगा, ऐसे बेल्ट जूता जो मिलेगा। इतना मुझे मारा इन्होंने कि हाँ वुडलैंड का स्टीकर चल गया मेरे में, ऐसे बन गया लोगो वुडलैंड का। यहाँ पे बहुत मारते हैं हॉस्टल, तुम एक बार चले जाओ। इन्होंने दिवाले में मोटिवेशन लाइनें लिख रखी हैं, जिसे तुम पढ़ोगे ना कहोगे बहुत गलत डिसीजन ले लिया। एक ने लिखा था जिंदगी चुने इंजीनियरिंग नहीं, दूसरे लिखा था इंजीनियरिंग बहुत अच्छी डिग्री है, सिर्फ उनके लिए जो कर नहीं रहे हैं। लेकिन हॉस्टल चलता रह गया, मैं फिर घर चला गया, घर में गया, मैं गांव में शादी थी, मैं भी अपने दोस्त का नितिन के साथ चला गया शादी में। शादी में क्या होता है बता रहा हूँ, ऐसे डीजे होता है, बीच में नाचते हुए बाराती होते हैं, एक रोड लाइट होता है जिसपे बैठते हैं वो इंसान बैठता है जिसको जन्म भर इज्जत नहीं मिलती, उसको भी उसमें बहुत इज्जत मिलती है। इज्जत क्यों मिलती है आपको मालूम है? क्योंकि बकरी काटने से पहले और आपको फ्रेशर भी इसीलिए मिल रही है। तो बारात क्या होता है, डीजे बजता है, सुनिए डीजे बजता है, बीच में बाराती नाचते हैं और पीछे बड़ बुजुर्ग, फिर रोड लाइट होता है। तो देखिए बाराती में बाराती होता है, एक बाराती होता है जिसका बारात में कुछ काम है, उसका काम है किसी ना इंसान को कंधे में बिठाना। वो सिर्फ ये डिसीजन लेकर जिंदगी में कि मैं कंधे बिठा किसी को नचाऊंगा, उसका मकसद यही है। एक बाराती आता है जिसका कोई काम नहीं, वो सिर्फ जाके गाना बदलवाता रहता है डीजे वाले से कि भाई ये गाना लगा दे, उसका बस यही काम है। देख बारात लड़की घर के पास पहुंचती है, आइकॉनिक गाना बजता है नागिन धुन, नागिन धुन बजते ही लड़कियों के अंदर नाग घुस जाते, तुम नाग बन जाते हैं। मेरा दोस्त नितिन मेरे साथ था, नागिन धुन जब गायब हो गया, मैंने कहा जरा, मैंने नीचे देखा ये सांप बन के नाच रहा है, मैंने कहा अभी रूप बदलेगा, इच्छा था ना के भाई इतना बढ़िया नाचा, रोल करते करते नाली में कूद गया, फिर भाई रंग बदल के निकला नाली से। शादियों में भी होता है, शादियों में बता रहा हूँ, अगर आप जाए तो आपने लड़कियों को ध्यान दिख रहा, लड़की बताओ शादी में कैसे आती है, इनका गाउन बड़ा सा होता है, गाउन देख लो बिछा दे इसमें 10 लोग बैठ के खाना खा ले उसपे। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे लड़कों पास रुमाल नहीं होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, लड़कों पास बहुत कम लोग रुमाल, लड़कियों पास रुमाल ही रुमाल होगा। शादियों में आप जाए, शादियों में आप जाए, लड़कियों पास जानते कितने रुमाल होते हैं? 3 रुमाल होते हैं लड़कियों पास, एक हाथ में, एक कमर पास, एक इनके बैग में होता है। लड़कों को देखो ना, ये पढ़ते मुंह पूछते रहते हैं, सबूर नहीं है इनको। और एक लास्ट उसी से तो काम चलता है। देखिए शादी बात क्या होता है कि होता है जयमाल, तो वैसे स्टेज होता है, रिबन लगी जाती है, तो ऐसे दूल्हा जब आता है तो ऐसे लड़कियां खड़ी रहती लाइन से, तो पहले ऐसे वो ऐसे जीजा को कहेंगी जीजा जी नेक दिमाग पहले होती है, ये अपनी सबसे बड़ी मांग रखती है 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 100 रुपए मांगते हैं लोग। तो टाइम ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए कहानी बहुत सुनाने को, धन्यवाद आप सभी का ये सुनने के लिए। थैंक सर फॉर एंटरटेनिंग अस। वाह सर, आपने तो हंसा हंसा के बिल्कुल लोटपोट ही कर दिया। अरे अरे बस बस रुको रुको, कितना बोलोगे, हमें तो सबको देखने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं? आकर्ष भाई मैं कर लेता हूँ, आप जाके ड्रीम इलेवन पर टीम बना लो। हाँ हाँ जा रहा हूँ। होला एवरीबॉडी, माय नेम इज सचिन आनंद।
ठहरिए कम से कम खुद को इंट्रोडक्शन करने का मौका तो दीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन, माय सेल्फ कुशाग्र भारद्वाज फ्रॉम सीएसई फर्स्ट ईयर। तुम लड़कियों का तो यही है, बस बोलने को मौका दो और इंडक्शन मोटर की तरह नॉन स्टॉप चालू। ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो कम बोलती हूँ, बाकी का मैं नहीं कह सकती। ये बात तो हमारी ऑडियंस से पूछो जिनके आते ही तुमने कान खाने शुरू कर दिए। अच्छा अच्छा, जरूर जरूर, तुम्हारी तो दिक्कत ही अलग है, जब बोलो तब दिक्कत, जब ना बोलो तब भी दिक्कत। ये तो आर्ट को समझने के लिए आर्ट के चश्मे से देखना इम्पोर्टेंट है रे बाबा। बहुत आर्ट की कदर है ना। अच्छा, अब आर्ट की बात कर ही रहे हैं तो तुम्हें डांस पसंद है क्या? हाँ, वो तो कभी बार एक स्टेप्स कर ही देता हूँ। इजी लगता है क्या डांस? डांस एक आर्ट है, आर्ट। हाँ ये तो है, डांस इज अ लैंग्वेज ऑफ सोल्स। द मोमेंट योर फीट स्टार्ट टैपिंग ऑन द फ्लोर टू द बीट, द मोमेंट यू ट्विर्ल अराउंड टू द मेलोडी, everybody knows what you really want to tell them. Dance is a thing that is not usually understandable by us. The moment you understand what dance really is, it would be the most amazing and beautiful feeling you'll ever feel. So now I would like to invite first year girls for their amazing group dance performance. Give them a huge round of applause.
दिखाकर गुमराह करेगी, वो तुम्हें डीपी दिखाकर गुमराह करेगी, मगर तुम आधार कार्ड पर टिके रहना प्रिय, टिके रहना प्रिय। ये शेर था, मुझे लगा गंदा सा कोई जोक था। वो तो ऑडियंस की तालियों ने बता ही दिया। खैर ये छोड़, मुझे कहा डांस में दिल आ गया है। So now to show you कुछ और आर्ट, I would like to invite Deeksha Singh for a solo dance performance. Give her a huge round of applause. ये शाम मस्तानी मदहोश। बस 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 रुकिए, आपकी बार तो मेरे और ऑडियंस दोनों के कान में से खून आ जाएगा। क्यों, इतना बुरा गाया क्या मैंने? एक्सक्यूज मी, गाया? अगर इसे आप गाना कहते हैं तो एकेडमिक ब्लॉक के ऊपर बैठे हुए कौवे भी नेशनल अवार्ड के हकदार हैं। अगर तुझे गाने का इतनी ही पसंद है कि क्या सही क्या गलत होता है तो तू ही गाकर सुना दे। बड़ी आई मिस फिर चेक हो जा। रुक जाइए रुक जाइए, अभी दिखाती नहीं सुनाती हूँ कि अच्छी सिंगिंग कहते किसे हैं। So for the next performance in the row, I would like to invite Shreya for a solo singing performance. Thank you.
श्रेया की परफॉर्मेंस इतनी पसंद आई गई है तो उसे एक और बार बुला ले क्या? प्लीज प्लीज एक और बार। अब जनता की है इतनी दरकार तो करते हैं हम ये विनती स्वीकार, अब बुलाते हैं श्रेया को एक और बार विद अदिति भक्ता फॉर देयर डुएट सिंगिंग परफॉर्मेंस। गिव देम अ ह्यूज
घने शाम क्या सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम क्या। हाँ तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताब ये दिल, तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे खाब ये दिल। दिल कहता है तू हो यहाँ तो जाता लम्हा चल जाए, इंडिया में डांस इज नॉट डांस, डांस एक आर्ट है, एक कला है। हाँ हाँ, डांस तो एक इमोशन है भाई। और हमारे यहाँ डांस से ज्यादा तो वैरायटी डांसर्स की है, जैसे वो बारात में नाचने वाले नागिन डांसर्स, और जैसे वो आई नो एवरीथिंग वाले डांसर्स, और वो मुझे तो शर्म आ रही है वाले वाले, और वो हमारी तरह भीड़ में घुस के डांस करने वाले डांसर्स। वैसे गौरी तुम तो काफी अच्छा डांस कर लेती हो। हाँ हाँ हाँ, हमें इतनी भी खास नहीं, तुम्हारा तो पता नहीं, पर अब जो स्टेज पे आ रही है ना वो आग लगा देगी आग। सो पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड मेक सम नॉइस फॉर देसी गर्ल्स। अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, मैं इतना भी कुछ खास नहीं। तू होगी वन टू टू पकड़िए वन टू टू, तू होगी मुंडे दी पतंगा वारगी, तू एवे उड़ दी तो हो गई मुंडे दी I'm gonna make you mine.
ਜਦੋਂ ਨੱਚੇ ਬੇਬੀ ਸੱਚ ਦੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਖਾਇ 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 ਐਸਾ ਹੀ ਬੜਾ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਯਾਰ ਨੂੰ ਪਿਗਲ ਗਿਆ Please play a beautiful song for me. Hello.
कुछ सपने कुछ ख्वाब और ये कहानी और ये कहानी। हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को आर पार आशाएं। अरे कैसे अंग्रेजी बोल बोल के लड़कियों को इम्प्रेस किया जाता है। हेलो हाँ भैया, हमके तो अंग्रेजी ना आए हो, हम कैसे इम्प्रेस करो। आपको yes. पता है लाइब्रेरी किधर है? जी आप यहाँ से सीधा जाइए और वहाँ से लेफ्ट लीजिए और फिर वहाँ से राइट लेके सीधा जाइए धार में। बढ़िया लाइब्रेरी कहाँ है? कितने अजीब लोग हैं। चलो चलो सीनियर्स आ रहे हैं। कॉलेज का पहला दिन याद है? वो दोस्त वो डर वो रह गए। मेरा मतलब इंट्रो इंट्रो इट वॉज नथिंग एज आई एक्सपेक्टेड बट डू यू वॉन्ट टू नो वॉट आई एक्सपेक्टेड। कौन आई अशोक? हमको बहुत जानती हो, गूंगी हो, दोस्त नहीं है का? अरे इतना बड़ा कॉलेज में पढ़ती हो, दोस्त नहीं बना? लाओ लाओ तुम बोझ उठा ले। इधर देखो, अरे सुनो एक बार देख भी लो, कांप का है रही हो, कोई मिला नहीं का?
अरे सुनो कॉलेज देख लिया, लाइब्रेरी देख ली, गुंबद भी देख लिया और प्रोफेसर भी देख लिए। अब बारी है यहाँ के भिन्न भिन्न प्रकार के बालक और बालिकाओं से मिलने की, जो कि यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार की उम्मीदें लेकर आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं ऐसे बच्चों से जो कॉलेज में वो करने आते हैं जिसके लिए कॉलेज बना होता है, पढ़ाई। जैसे सर की बज जाए ना सीटी तब तक मार। उसकी आंखों में आंसू हैं और चेहरे पर हंसी है, सांसों में आहें हैं और दिल में बेबसी है, जिसके हर ख्याल में है उसकी पारों का वास। पेश है आपके सामने द वन एंड ओनली देवदास। लड़कों के भरे जख्म और हरे ना करते हुए मिलते अपने विलन से, हमारे महेंद्र वर्मन पद्मनाभम और एमपी सर।
सो क्लास टुडेज टॉपिक इज सेंसर सर अटेंडेंस सर ओके ओके अटेंशन प्लीज रेंचो सर्किट मंजुलिका सर प्रेजेंट सर मुन्ना भाई मैं आया नहीं बाबा बिजली बेटा मैं दिख नहीं रही क्या सर हे यू स्टैंड अप व्हाट्स योर नेम एमपी सर व्हाट एमपी मणिपाल सर व्हाट्स योर फादर नेम एमपी सर व्हाट्स एमपी मोहनलाल सर वेयर आर यू फ्रॉम एमपी सर मध्य प्रदेश मैनपुरी सर सिट डाउन एमपी सर व्हाट एमपी माय प्लेजर सर पांच मिनट के लिए लाइट कटने वाली है कृपया कोई भी इनडिसिप्लिन क्रिएट ना करें शायद किसी आंखों में उन आंखों में अब सपने हैं सपने भी वो जो ना अब अपने हैं मेरे सपनों को तो कुचल दिया और जिम्मेदारियों का बोझ लेके कंधों पे मैं चल दिया ये कहानी रेंचो की है फरहान की या राजू रस्तोगी की ये मैं आप सब पे छोड़ता हूँ आता था ना तेरे पास तो टैलेंट भी था पर तू अपने पैशन को फॉलो क्यों नहीं करता कैसे करूं यार पैशन को फॉलो इस कॉलेज में दिन के 24 घंटे मिलते ही नहीं 8 घंटे कॉलेज में चले जाते हैं 3 घंटे खाने पीने डेली काम में निकल जाते हैं अनफॉर्चुनेटली मैं इंसान हूं तो 6 घंटे सोने भी तो हैं दिन के 17 घंटे कहां चले जाते हैं पता ही नहीं चलता बच्चे 7 घंटों में तुमने गलती से दोस्त से बात कर लिया बच्चे 7 घंटों में तुमने गलती से दोस्त से बात कर ली या फोन उठा लिया ना 1 घंटे 1.5 घंटे कहां चले जाते हैं पता ही नहीं चलता बच्चे 6 घंटों में सेमेस्टर के 6 सब्जेक्ट असाइनमेंट प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन मेजर्स माइनर्स करते करते पर टाइम चला जाता है यार कहां से लाऊं मैं टाइम अपने पैसे को फॉलो करने का भाई देख घर वालों का ना जॉब और रिजल्ट दोनों चाहिए घर से फोन आता है तो पहला शब्द होता है कि बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है उसके बाद पूछा जाता है कि बेटा कैसे हो देख भाई मिडिल क्लास वालों के लिए सिर्फ जिम्मेदारियां होती हैं सपने नहीं होते हमारे देख भाई कॉलेज में सबको रेंचो और फरहान की तरफ अपना पैसन फॉलो करता है करना होता है लेकिन हमारा ये बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम हमें राजू बना के छोड़ता है और कहता है जाओ करो किसी कंपनी गुलामी और मर जाओ गुलामी करते हुए कर लूंगा यार असाइनमेंट भेज देना देख भाई किसी तरीके से मैंने टाइम निकालकर वीडियो बनाई थी अगले ही दिन घर वालों का फोन आता है बोलते हैं बेटा इसके लिए तो इंजीनियरिंग करनी नहीं भेजा था देख भाई अपने हालातों से समझौता कर लेते हैं अपने खुशियों का और अपने इन्हीं हाथों से हर दिन गला घोट देते हैं अपने सपनों का देख भाई जब तक हमें ना घोड़ों के रेस में दौड़ाया जाएगा सबको एक दिशा में जाएगा तब तक तो कुछ नहीं होने वाला हमारा
भाई करने दो ना उसको जो जिसको जो करना है, क्यों हमारा डिसीजन दूसरा कोई ले रहा है? जब तक ये होता रहेगा ना हमारा देश यही रहेगा। भाई लोग ये सब तो चलता रहेगा, ये कॉलेज ये असाइनमेंट सब रोज का है, लेकिन सिंपल सा फंडा है बेड़ू, दिल पे हाथ रख और बोल ऑल इज वेल। Life out of control, auto go karke goal, auto go karke goal, seat eight par jaake pole. Murgi ka jaane ande ka kya hoga? Life milegi ya tabe pe fry hoga? Koi na jaane apna future kya hoga? बर्बाद छट दे रोंदे आता लेना
स्वाद छड़ दे जे सानू प्यार लई एना तरसाओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे जीने के है चार दिन बाकी है बेकार दिन
जुगमा दूं आ चलती क्या यही नहीं अभी और सुनिए सबर करो जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर बट यू नो व्हाट बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है शहरों का तो जो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल जय श्री कृष्णा मैं अनुज चौधरी इस हसीन सी शाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं हेलो तो चलिए प्रोग्राम को आगे अरे अरे रुको जरा सब्र करो अरे तुम अभी गई तुम चली हम तो अभी अभी आए हैं जाने की बात तो छोड़ो खैर जब तुम आ गए हो तो कुछ लाइन पेजे खिदमत है इरशाद इरशाद आप कहें तो कायनात की सारी खुशियां आपकी तरफ मोड़ दें आप कहें तो कायनात की सारी खुशियां आपकी तरफ मोड़ दें आप कहें तो चांद सितारे को भी तोड़ लें बस इतना बहुत है माय डियर फ्रेंड या दो तीन झूठ और भी बोल रहे हैं बस बस तुमसे तो झूठ भी नहीं बोला जाता चलिए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं Show. So come on, make some noise for the Ram Walk participant. And
आई वुड लाइक टू से अ स्पेशल थैंक्स टू समो चाय आवर स्पॉन्सर. एक बार जोरदार तालियां समो चाय के लिए. दुश्मन की हमने हिफाजत की है. बात करते हैं हजारों है तजुर्बा हमें यारों. बात करते हैं हजारों है तजुर्बा हमें यारों. ऐसी है बांध लू मुझ पे जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए.
I'm not afraid to die.
से दूर था, तुझसे मैं टकराया, सर फिरा हो गया, मुझे प्यार लगा जो तुझे लगा भाई तुम्हारा, अरमान तो जागे पर मगर सो गया, बन soulful singing. Mr. Fraser and Mrs. Fraser. So now I want to invite Mr. A.K. Sharma sir and Mrs. Pinky Wim for announcement of Mr. Fraser and Mrs. Fraser.
आज का जो कार्यक्रम आप लोगों ने बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया है, और अंत में जैसा कि रहता है कि इस कार्यक्रम के फ्रेशर, मिस्टर फ्रेशर और मिस फ्रेशर कौन है, इस सभी के लिए आप सभी को बड़ा इंतजार है। इसके लिए मैं मिस्टर फ्रेशर का जो घोषणा करता हूँ, जो जजों ने बड़े क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन के बाद आइडेंटिफाई किया है, तो मिस्टर फ्रेशर जो है दैट गोज टू मिस्टर रोशन। First year and second year boys, kindly stay in the pandal. Only girls, faculty and non-teaching staff can go in the CS department for dinner. प्लस सेकेंड ईयर के, एक बात हमने शायद कई बार आप लोगों से कही कि प्रोग्राम होना चाहिए और हम लोगों का मान सम्मान भी बना रहना चाहिए। आप लोगों ने शायद हमारी बात रख ली, उसके लिए आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। फ्रेशर पार्टी थोड़ा डिले हुई तो कुछ कारण थे, नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि उसको भी हम बिल्कुल शेड्यूल टाइम पर कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन सहयोग आप लोगों का जब तक नहीं रहेगा तब तक हो सकता है वो चीज़ें पॉसिबल ना हो पाए। फर्स्ट ईयर के बच्चों ने एंजॉय किया, फाइनल ईयर वालों के लिए एक बहुत अच्छा मोमेंट था, क्योंकि जो विदाई समारोह होता है मतलब आज के दिन से उनकी लाइफ में एक अलग ही चेंज आएगा। चार साल आप लोगों के साथ रहे, हमारे ख्याल से जितने भी मनमुटाव आप लोगों के बीच रहे हों,
कोशिश करिएगा कि आज के दिन वो सारे मनमुटाव दूर हो जाएं। और आज जो एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की, कुछ लोगों ने मैनपुरी में हमारे कॉलेज के बच्चों को इस प्रोग्राम के लिए कुछ स्पॉन्सर भी किया है, तो उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और हम चाहेंगे कि भविष्य में भी आप मैनपुरी के सभी जितने प्रतिष्ठान हैं उनका सहयोग हमारे संस्थान का के लिए बना रहे, ताकि हम लोग और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स करा सकें और कुछ उनको भी हमारे यहाँ के इस प्रोग्राम के थ्रू एक एडवर्टीजमेंट भी मिल सके। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। लगभग 4 साल के बाद हम लोग इतनी इस तरह से एकत्रित हो रहे हैं, और संभवतः आज किसी बच्चे ने कहा था कि आज बहुत खास दिन है, आज बहुत खास दिन है, शायद 2019-20 इसमें हमने सोचा भी नहीं होगा कि हम पुनः इस तरह से एकत्रित हो पाएंगे। जो वो समय था, बहुत कह सकते हैं काला समय था, जब हम लोग रोड पे निकलते थे, आप लोगों की क्लासेस होती थी ऑनलाइन, तो शायद ये जो बैच पास आउट हो रहा है, ये इसमें बच्चों का फिजिकल मोड में इंटरेक्शन सबसे कम होगा, तो कई बार टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा बच्चा, पता ही नहीं चला कि फर्स्ट ईयर में कब पढ़ा और फाइनल ईयर में कब आ गया। लेकिन हम लोग चीज़ों को रिकवर कर पाए धीरे 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 धीरे। अभी भी आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो एग्जामिनेशन हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अलग होते हैं, थर्ड ईयर फाइनल ईयर के अलग होते हैं, यूनिवर्सिटी भी, यूनिवर्सिटी की आप पूरी दुनिया ही COVID-19 से कोप अप करने में लगी हुई है, और ऐसा हमारी यूनिवर्सिटी में भी प्रयास है कि जल्दी ही सेशन सारे रेगुलर हो जाएं। संभवतः इस बार एडमिशन्स भी समय से होंगे, एग्जामिनेशंस भी आप लोगों के समय से हो जाएंगे, ऐसा यूनिवर्सिटी का भी प्रयास है और इंस्टीट्यूट्स में भी प्रयास है। इवेंट्स ये सारे मिसिंग थे, उसमें जो मेजर कॉज रहा वो COVID-19 रहा, उसके बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी होती रहीं बिकॉज ऑफ सम और द अदर रीजन, स्टूडेंट फैकल्टी सिंक्रोनाइजेशन, ये सब नहीं हो पाया, बट एनी हाउ कुछ छात्रों के जिम्मेदारी लेने से, आगे आने से, किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही पड़ती है, तो कुछ छात्रों के आगे आने से उन्होंने जिम्मेदारी ली, हम लोगों का सहयोग रहा, यथासंभव निदेशक महोदय का भी सहयोग रहा, और हम लोग इस प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से संपन्न कर पाए। बच्चों ने बहुत अच्छी जिम्मेदारी की है, और कुछ मुझे लगता है बच्चों के लिए थोड़ा सा मिसिंग होगा, जो मैं आपके मन को समझता हूँ, लेकिन संभवतः अगले प्रोग्राम में आपको एक फ्री हैंड भी दिया जाएगा, जिसमें शायद हम लोगों की आवश्यकता ना महसूस हो, और आप अपना 5-10 मिनट जो भी एंजॉय करना चाहते थे वो आगे समय दिया जाएगा। लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा डिले भी हो गए हैं, और ये पहला प्रोग्राम है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम जो अच्छी तरह से संपन्न हुआ है। अब हम उसको कहीं ऐसा ना हो कि सारे स्टूडेंट्स के पार्ट पे कुछ नहीं होता है, फैकल्टी के पार्ट पे कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दो न्यूसेंस एलिमेंट, दे मे बी आउटसाइडर, हम लोग उनको पहचान भी नहीं पाते हैं, लेकिन वो उसी स्थिति में रहते हैं कि किस तरह से न्यूसेंस क्रिएट हो। चूंकि हम लोगों का अनुभव ऐसा रहा है, इसलिए हम लोगों को मजबूरी में चीज़ों को करना पड़ता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं उनकी टीम है, हमारे फैकल्टी स्टाफ, जिन्होंने सभी लोग अपना समय आज घर छोड़ के बैठे हुए हैं, मुझे लगता है सभी लोग 8-9 बज जाएंगे, तो होपफुली हम आगे भी, अभी शर्मा सर कह रहे थे कि टेक फेस्ट भी होना चाहिए, तो इस तरह के इवेंट अब हमें लगता है एक नॉर्मल मोड में हम लोग करा पाएंगे। धन्यवाद। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द ब्रांचेस टू ऑर्गेनाइज दिस ब्यूटिफुल इवेंट after a long period of time. If I am right, then it's after, you know, 2019, we are witnessing such kind of event for the first time. And this is also for the first time that we are witnessing this event without director, sir. Okay?
So this is my bad luck. I'm representing administration of this institution. Right. Earlier, we had the tradition to contribute something out of some welfare fund dedicated to students' welfare. This time, I came to know that before speaking, I came to know and realized that how much you people have spent to organize this event. So, the students in the background, they told me they spent around 1,50,000 rupees. Right? And then I asked how much they raised. They couldn't raise 1.5 lakh. They are still short of 1.5. Right? So the shortage cannot be compensated by REC Mainpuri. And I'm sorry for that because of this, you know, paucity of time and absence of director. I couldn't make that. Otherwise, you would be doing it better with more money and less money out of your pocket. Right. So for the next year, we will try to rectify this and we will try to contribute as much as we can. Right. Earlier, this was a tradition. When I joined this institution, our director, Professor B.N. Roy, he was very interested in such kind of event. He used to participate here till the end of the function, right? So we want to bring back that tradition again, and the energy I see in you and the talent besides, you know, in the classroom, that is tremendous, right? I see a lot of talent in you. You might be bad student in classroom, but outside when I see this, you are, you know, wonderful, amazing. So, once again, I would like to thank you, all of you, for organizing such event. And Esther told me that you wanted to dance freely, but it is taking too much time, so we are winding this up very fast because all the non-teaching staff and teaching staff are here because of you. Right? Your safety is utmost concern for us. So now after you take your dinner, you go back to your hostels, you go back to your places nicely without creating any disturbance. Right? And if you do that, such kind of events will be left to run from your end. Right? This will be, you know, a role model. This will set an example for future events. Right? With these words, I would like to thank you again. Okay, good night. पारों को हवा दे, कांधों को